हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल्स के बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें हमें एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स क्या मिलते हैं फेस के ऊपर और हमारी बॉडी के ऊपर, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर हम फर्स्ट बात करें हाउ टू वर्क एलोवेरा जेल ऑन योर फेस, अगर हम इस बारे में बात करें कि एलोवेरा जेल क्या वर्क करता है हमारे फेस के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल एलोवेरा जेल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिसके अंदर 96% हाइड्रेशन है, मतलब एक सॉलिड वाटर की फॉर्म में होता है जो प्योर एलोवेरा जेल होता है। ये प्रॉपर वाइट होता है, कभी भी ग्रीन कलर का नहीं होता, एक प्रॉपर प्योर ऑक्सीडेंट होता है जो वाइट कलर का होता है। अगर क्वालिटी की बात करें बहुत फाइन होता है, ये नंबर ऑफ प्रोसेस के अंदर यूजेज होता है, मतलब हमारे हर चीज़ के अंदर यूज होता है। अगर हम बात करें फेस मॉइस्चराइजर, हैंड मॉइस्चराइजर, हेयर स्कैल्प यूज, एंटी डेंड्रफ, हेयर फॉल, मतलब डार्क सर्कल, रिड्यूस रिंकल्स, एवरीथिंग, डीटैनिंग, हर चीज़ के अंदर आपका यूज़ होने वाला इंग्रेडिएंट है। और तो और आपके ड्रग स्टोर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब आपकी मेडिसिन के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली हमारे फेस के ऊपर करता क्या है। हमें जब भी एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं ये एक 96% हाइड्रेशन करता है हमारे फेस के ऊपर, 96% हाइड्रेशन करता है हमारे फेस के ऊपर, जिससे हमारा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। क्योंकि हाइड्रेशन की वजह से हम बहुत सारे क्रीम्स और बहुत ज़्यादा सीरम्स यूज़ करते हैं, बट जो स्पेशली इंग्रेडिएंट्स होता है वो हमारा एलोवेरा जेल होता है। बट इसके अंदर कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स भी मिक्स्ड होते हैं जो हमें मैंडेटरी होती है यूज़ करने, क्योंकि कुछ एलोवेरा जेल मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं। अगर हम बात करें कि हमें एलोवेरा जेल फेस के ऊपर कैसे लगाना चाहिए, हमें एलोवेरा जेल एक नॉर्मल से प्रोसेस के अंदर लगाना चाहिए। अगर हम बात करें नंबर वन, हमें बिल्कुल पतली लेयर लगानी चाहिए, कभी भी एक मोटी लेयर नहीं लगानी चाहिए। हमें रिजल्ट सेम ही मिलेंगे मोटी लेयर से भी और पतली लेयर से भी। मोटी लेयर के अंदर आपका वेस्ट ऑफ एलोवेरा जेल है, आपको कभी भी एलोवेरा जेल के एक्स्ट्रा रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, क्योंकि आपकी स्किन को जितना भी चाहिए बहुत नॉर्मल सा चाहिए होता है। अराउंड अगर हम बात करें 5-7 ग्राम के अंदर आपका पूरा फेस कवरेज हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। हम सेकेंडली बात करते हैं अपने, अगर हम सेकेंडली बात करें कि हमें कौन से ब्रांड्स के यूज़ करने चाहिए एलोवेरा जेल, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांड्स बहुत ज़्यादा आते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि और हमें समझ ही नहीं आता कि हमें कौन सा लेना चाहिए। अगर हम बात करें फर्स्ट एलोवेरा जेल की, वो आता है हमारा वाओ कंपनी का एलोवेरा जेल, जो एलोवेरा के अंदर सबसे बेस्ट है। अगर हम बात करें क्वालिटी के अंदर बेस्ट है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें 299 के अंदर हमें मिलता है 150 ग्राम। अगर हम बात करें विदाउट एनी केमिकल्स है, इसके अंदर 99% तक एलोवेरा जेल है, 1% इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसको हमें जो इसकी लाइफ को बढ़ाता है, क्योंकि कभी भी हम प्योर एलोवेरा जेल को कभी भी हम 1 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकते, इसलिए हमें इसके अंदर कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स भी मिलाने होते हैं जो आपको बहुत अच्छा सा कवरेज दे, ड्राइनेस बिल्कुल ना दे। इस वजह से हमें प्योर एलोवेरा जेल लेना चाहिए। वाओ का सबसे अच्छा आता है बट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, हमें 300 के अराउंड पड़ता है 150 ग्राम ऑफ क्वांटिटी। सेकंड की बात करें, सेकंड आता है मामा अर्थ का। मामा अर्थ भी अपने आप में बहुत हिट ब्रांड है, क्वालिटी की बात करें बहुत अमेजिंग है। अगर आयुर्वेदा और हर्बल और विदाउट केमिकल की बात हो तो मामा अर्थ कभी भी पीछे नहीं रह सकता इस ब्रांड के अंदर, क्वालिटी बेस्ट है। प्राइसिंग की बात करें 300 क्वांटिटी मिलती है हमें 299 के अंदर, मतलब बहुत इकोनॉमिकल पड़ जाता है और एक हाफ रेट के अंदर पड़ जाता है एज कंपैरिजन टू वाओ, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं आपको मामा अर्थ से भी। अगर हम बात करें अपने थर्ड इंग्रेडिएंट्स की, थर्ड आता है हमारा खादी नेचुरल्स का, ये भी बहुत अच्छा है और ये स्पेशली हमारे फेस के लिए होता है, हमारी फेस रिंकल्स, रिड्यूस द डार्क स्पॉट्स, मतलब एवरीथिंग आपके फेस के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्वालिटी बहुत बेस्ट है इसकी भी। ये स्पेशली एलोवेरा जेल विद ककुम्बर होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, हाइड्रेशन करता है 90% तक। अगर हम इसकी क्वांटिटी और प्राइसिंग की बात करें 200 ग्राम मिलता है हमें 200 रुपीज के अंदर। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ आता है हमारी कैटेगरी के अंदर लैक्मे 9 to 5 नेचुरल एलोवेरा जेल, जो बहुत अल्टीमेट है, बहुत अच्छे रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस के साथ है और प्योर एलोवेरा जेल के साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसके अंदर मिक्स्ड है जो हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छा देते हैं। और तो और जिसका एलोवेरा जेल है मेकअप के अंदर भी यूज़ होता है, एक प्राइमर की जगह भी यूज़ हो जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्राइसिंग की बात करें 50 ग्राम की क्वांटिटी हमें मिलती है 200 रुपीज के अंदर। अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ है हमारा ग्रीन लीफ का। ग्रीन लीफ एलोवेरा जेल बहुत अल्टीमेट है, एक बहुत अच्छा ब्रांड है और सबसे बड़ी बात है बहुत पुराना है। इसके अंदर हम अगर इस ब्रांड की बात करें, हर्बल ब्रांड है, नेचुरल ब्रांड है, क्वालिटी बहुत फाइन है। अगर हम इसकी प्राइसिंग और वेट की बात करें, हमें मिलती है 120 ग्राम क्वांटिटी ऑफ 120 रुपीज के अंदर, बहुत अच्छा है ये भी। सिक्स मिलता है हमें अरोमा ट्रेजर का, जिसके अंदर थोड़ा कलरिंग मिक्स है बट प्योर है, डर्मालॉजिक टेस्टेड है, सेफ साइड है आपकी।
क्योंकि डर्मालॉजिक टेस्टेड होने से एक लैब टेस्टेड हो जाता है स्किन के ऊपर, ऑल स्किन टाइप्स यूज कर सकते हो। प्राइसिंग की बात करें 360 रुपीज के अंदर हमें मिलता है 500 ग्राम ऑफ क्वांटिटी, जो बहुत अल्टीमेट क्वालिटी है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है हमारे हेयर और फेस दोनों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं ओनली फेस की, तो स्पेशली फेस के ऊपर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जिसका कलर जो इसके अंदर कलर एडिड है वो बहुत लाइट वेट है, मतलब बहुत लाइट इंग्रेडिएंट के साथ आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अरोमा ट्रेजर के। अगर हम बात करें सेवेंथ की, सेवेंथ एलोवेरा जेल आता है हमारा पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल, जो सुपर हिट है अपनी सेलिंग के लिए भी और क्वालिटी के लिए भी। इसके अंदर पर माइनर सा कलर एक्सट्रैक्ट है, अब क्वालिटी काफी टाइम से रनिंग कर रहा है मार्केट के अंदर, कोई साइड इफेक्ट नहीं, ऑल स्किन टाइप्स है, कोई भी यूज कर सकता है, बेस्ट रिजल्ट डिलीवर करता है, क्वालिटी बहुत फाइन है इसकी भी। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, 150 ml हमें मिलता है 90 रुपीस के अंदर। ये थे हमारे कुछ ब्रांडेड एलोवेरा जेल जो प्योर होते हैं, डर्मालॉजिक टेस्टेड भी हैं, पैराबिन फ्री भी हैं, सल्फेट फ्री भी हैं और कलर एक्सट्रैक्ट भी कम कुछों में ऐड, कुछ एलोवेरा जेल के अंदर कलर एक्सट्रैक्ट है, कुछ विदाउट कलर्स भी हैं। ये थे हमारे एलोवेरा जेल जो टॉप हिट्स के अंदर चलते रहते हैं, क्वालिटी इनकी सुपर्ब है, आप यूज कर सकते हो। अगर हम अपने फोर्थ स्टेप की बात करें उसके अंदर आता क्या है कि हमें प्योर एलोवेरा जेल यूज करना चाहिए या फिर ये मार्केट वाले एलोवेरा जेल यूज करना चाहिए, इसके बारे में हम बता रहे हैं। अभी जो प्योर एलोवेरा जेल है उसको आप कभी भी प्योर को यूज नहीं कर सकते ज्यादा लंबे समय के लिए अपने फेस के ऊपर, उसको आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए यूज कर सकते हो। बिकॉज अगर हम 10 मिनट से ज्यादा लगाते हैं तो वो हमारे स्किन का जितना भी एक्सेस में ऑयल होता है हमारी स्किन के ऊपर, मतलब एक तो एक्सेस होता है, एक हमारी स्किन को नीड होती है, वो नीड वाले ऑयल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी स्किन ड्राई और पैची कर देता है। तो हमें यूज कैसे करना चाहिए प्योर एलोवेरा जेल, प्योर एलोवेरा जेल के अंदर आपको सबसे पहले एक बाउल के अंदर प्योर एलोवेरा जेल लेना है, उसके अंदर सेकंडली आपको एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल डालना है, एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल एक वो कोकोनट ऑयल होता है जो प्योर इंग्रेडिएंट होता है, जो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का होता है, ये विंटर्स के अंदर भी कभी भी जमता नहीं है, प्रॉपर एक मेल्ट फॉर्म में रहता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ये बायो ऑर्गेनिक का है, बायो ऑर्गेनिक के बहुत अच्छे रिजल्ट है एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल के अंदर, या फिर आप ले सकते हो ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, या फिर आप ले सकते हो वाओ का, जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे ये सारे ब्रांड। अगर हम इसको एलोवेरा जेल के अंदर डालें, आपने डालना कितना है 2%, मतलब अगर आप लेना है आपको एक चम्मच एलोवेरा जेल तो आपको 0.2 मतलब उसके अंदर 2% आपको एक्स्ट्रा कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल डाल। अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें 175 ml हमें मिलता है 249 के अंदर। थर्ड हमें इसके अंदर डालना होता है विटामिन ई कैप्सूल्स, विटामिन ई का ऑयल डालना होता है, जिसकी वजह इसके बाद हमें करना क्या होता है, एक बॉयल करना होता है इसको 20 मिनट्स तक, उसके बाद आपको फ्रीजर में रखना है एक एयरटाइट बाउल के अंदर, जिससे आपका एलोवेरा जेल 1 month तक स्टे करेगा, उस बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, बट ओनली 1 month तक ही होता है। बट जो मार्केट वाले होते हैं उनकी लाइफ लाइन ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे उस एलोवेरा जेल की लाइफ को लॉन्ग बनाते हैं और उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बना देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो हार्मफुल होते, कभी हार्मफुल्स नहीं होते। अगर हम सेकेंडली बात करें, जो प्योर एलोवेरा जेल होता है वो हमेशा वाइट होता है, कभी भी एक कलर्ड वाला एलोवेरा जेल नहीं होता, मतलब ग्रीन कलर का कभी नहीं होता, प्योर एलोवेरा जेल हमेशा वाइट कलर का होता है। ये हमारा माइंड सेटअप हमेशा होना चाहिए कि हमें प्योर एलोवेरा जेल हमें वाइट कंडीशन में ही लेना चाहिए, किसी भी ब्रांड में ले बट वाइट लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे फेस के ऊपर एलोवेरा जेल करता क्या है। एलोवेरा जेल हमारे फेस के ऊपर बहुत अच्छा सा एक ग्लो देता है, हाइड्रेशन करता है, हाइड्रेशन इन द सेंस कि एक ऐसा हाइड्रेशन करता है हमारी स्किन के ऊपर जो हमारे स्किन के ऊपर इल्यूमिनेट करता है, मतलब आपकी फेस लाइन, मतलब आईज के पास जितने रिंकल्स पड़ते हैं उनको हाइड करता है, मतलब उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और मेंटेन रखता है। सेकेंडली हम बात करें डार्क स्पॉट्स के, जितने भी पॉइंट्स रह जाते हैं, मतलब आपके फेस के ऊपर जितने भी डार्क स्पॉट्स रह जाते हैं, जितने भी डार्क स्पॉट्स के निशान रह जाते हैं उसको रिमूव करता है। थर्डली आपके फेस के ऊपर जितनी टैनिंग होती है उसको रिमूव करता है। फोर्थली अगर बात करें आपके फेस अपर लिप्स के ऊपर जितनी भी ब्लैकिश होती है उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। फिफ्थ हम बात करें जितनी भी आपकी नेक बैक नेक के ऊपर ब्लैकिश टैनिंग आ जाती है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है, और स्किन के ऊपर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर भी दे देता है, जिससे आपका आपका नेक फेस प्रॉपर एक मॉइस्चराइजर रहता है, ड्राई नहीं होता, ड्राई होने से होता क्या रिंकल्स भी आ जाते हैं। हमारे एलोवेरा जेल को यूज़ कर रहे हैं तो हम मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमर, हमें एक प्रॉपर एक केमिकल वाला वर्क तो नहीं देगा बट एक नेचुरल वर्क दे देता है। बट आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग मेकअप आ गया तो इसमें थोड़ा हम कम यूज़ करते हैं एलोवेरा जेल को, बट एलोवेरा जेल वहाँ पे भी वर्क करता है, बहुत दी बेस्ट करता है। अब अगर हम बात करें, ये थे हमारे यूजेस और ये थे इसके रेमेडीज और ये थे इसके बेनिफिट्स। अगर हम फेस के बेनिफिट्स, बहुत अल्टीमेट इसके बेनिफिट्स हैं, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपको फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है कि आप, या फिर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे हम,
और आपको हर रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलोवेरा जेल हमारे हेयर्स के ऊपर कैसे वर्क करता है और डेंड्रफ से कैसे बचाता है, हेयर फॉलिंग से और ब्रेकेज से कैसे बचाता है, उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। हमारे फेस को 48 आवर्स तक कंटिन्यूसली हाइड्रेशन करता रहता है, कभी भी ऐसा नहीं कि हाइड्रेशन स्टॉप करता है। एलोवेरा जेल बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। एलोवेरा जेल मेनी ऑफ क्योर्स, मतलब आपकी और भी बहुत चीज़ों के अंदर यूज होता है। एलोवेरा जेल प्रॉपर हमारे फेस को एक हमारी बॉडी को हाइड्रेटिंग करता है, प्रॉपर एक मॉइस्चर देता है, इल्यूमिनेट करता है हमारी स्किन को।